आ गए कोरोना की बर्बादी का तमाशा देखने। हम भीड़ लगाएंगे, मुंह से मुंह मिलाकर बात करेंगे, थोड़ी देर बकचोदी करेंगे, फिर ये मेरा भाई मुझे सिगरेट जलाकर देगा, फिर बकचोदी करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये चूतिया बातें, तुम्हारी ये मूर्खता एक दिन इस देश के लोगों की मौत का तमाशा ऐसे ही देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। लॉकडाउन से तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भीड़ में चलने की आदत पड़ी है तुमको, चुगली करने की आदत पड़ी है तुमको। पहले झंडा उठा के चुनाव की बातें करते थे, फिर सट्टा लगाने के लिए आईपीएल की बातें, और अब इस कोरोना वायरस की। मीडिया वाले चिल्लाकर बोल रहे हैं बाहर मत जाओ, लेकिन तुम्हें बाहर जाना है। मरो, सब मरो। इटली का प्रधानमंत्री हमें देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचा होगा इंडिया वाले हमसे कुछ सीखेंगे, लेकिन हम क्यों सीखें, क्या होगा। अरे कोरोना वायरस तो है, छोटी सी बात है, हमको कैसे हो सकता है। राशन भर लेता हूँ फिर नहीं मिलेगा, दारू नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, सिगरेट खत्म हो गई है, बाहर जाना है। मोदी साहब कोरोना वायरस की चेन तोड़ना चाहते हैं, भारत बंद करके लॉकडाउन करके कोरोना वायरस खत्म करना चाहते हैं। कौन समझाऊं की बात को, सब साले अनपढ़ जिंदा लाशें हैं, किसे जगाएंगे वो। मैं जा गया, परिवार के साथ टाइम बिता रहा हूँ, सुकून है, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारी लापरवाही एक दिन तुम्हारे परिवार के लिए रोना बन जाएंगे। ये देश के डॉक्टर, पुलिस वाले, सफाई कर्मचारी, आर्मी वाले रात दिन अपना घर छोड़कर तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। ये पिस्तू जैसा वायरस COVID-19 आने वाले कल में शायद अपने आप को हिंदुस्तान में कहीं ढूंढ नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, अगर पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हो जाए तो तुझे एक महीने में भागना पड़ेगा।